एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, और खबर यह है कि अग्नि 3 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। अगर मैं अग्नि 3 की रेंज की बात करूं, 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। सबको नहीं बनाया, 92,000 अफवाज उनके कब्जे में थी। उन्होंने इंडिया कह रहा था कि भाई आपके अफवाज ने सरेंडर किया। आपको पता नहीं है कि क्यों रिजर्वेशंस हुए थे जब ये आसिम मुनीर साहब आईएसआई के चीफ थे, क्या इन्होंने किया और क्यों वो अपोज कर रहे थे, सबको पता है यार। अब इधर से मत दौड़ाओ, आपका बीपर चल जाएगा और फिर मैं बात नहीं कर सकूंगा। आप ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जिसको पैसे ना मिल सके, जिसकी इकोनॉमी ठीक ना हो सके। इसका बहुत, इसके पास 5,000 बिलियन डॉलर का कोयला है, 5,000 बिलियन डॉलर का जी। और इसके पास 2,000 बिलियन डॉलर का सोना है और धातें हैं, और इसकी एग्रीकल्चर में 3 गुना पोटेंशियल है। बिल्कुल, पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली नहायत इम्पोर्टेंट मुल्क है जी। ये मायूसी फैलाने की जरूरत नहीं है। महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है, मगर इसके बावजूद कौम से हकायक छुपाकर सब अच्छा है, सब अच्छा है कि जो कहानियां हैं वो आवाम को सुनाई जा रही बड़ी डिटाई के साथ। अब ये सिलसिला क्या मुल्क दिवालिया होने तक इसी तरह जारी रहेगा? आज हम देखते हैं कि डिफेंस के सेक्टर पर इंडिया बहुत आगे जा रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म के मिसाइल्स। एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, और खबर ये है कि अग्नि 3 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। अगर मैं अग्नि 3 की रेंज की बात करूँ, 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अग्नि 1 की रेंज की बात करूँ तो 700 किलोमीटर की इसकी रेंज थी। अग्नि 2 की 2000 किलोमीटर की रेंज थी, और अग्नि 5 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेंज डिक्लेयर की जा रही है 5000 प्लस किलोमीटर की रेंज के साथ। आज हम देखते हैं कि डिफेंस के सेक्टर पर इंडिया बहुत आगे जा रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म के मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है। पहले ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो लॉन्च हुआ था, उसके बाद इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिसाइल जो है वो लॉन्च किए गए थे। मेड इन इंडिया के टैग्स लग रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो डिफेंस के सेक्टर में पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? रिसेंटली एक न्यूज आई है जिसके मुताबिक 3500 किलोमीटर की रेंज का अग्नि 3 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है इंडिया में। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमारे अंदरूनी मामला हम खस्ता हाल हो गए हैं, जिसकी वजह से हम अपने दफा पे क्या तवज्जो दें। लोगों का पेट भरना मुश्किल हो गया, जितनी महंगाई है या जितनी मतलब महंगाई की शरह बढ़ रही है। वैसे भी जो न्यूज़ में सुन रहे हैं कि डिफॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है मुल्क के, इंडिया के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? वो ये कि उनकी आर्मी है वो अच्छी है, वो इंटरफेयर नहीं करती उनके पॉलिटिकल मामलों में। तो सियासतदान ठीक है, उनके काम वो ठीक कर रही हैं। उधर इतने मतलब बेरोजगारी वगैरह नहीं है जो हमारे यहाँ इतनी है, डॉलर भी उधर कम है, ठीक है ना। उनका जो करेंसी रेट है वो भी हमसे ज़्यादा है, वो इकोनॉमिकली हमसे स्ट्रांग है। उनके जो फॉरेन है रिलेशन दीगर ममालिक के साथ वो भी बहुत अच्छे हैं। तो बजाय हम के हम मतलब कोई हमसे अगर रिलेशन रखता भी है तो सिर्फ अपने मफाद के लिए, बाद में वो मतलब गुलाम वाली ये कैसीयत है हमारी, इसके अलावा तो कोई नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि न्यूक्लियर पावर की बात की जाए तो किसको आप आगे देखते हैं, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर तो देखा जाए, मेरा ख्याल है कि अगर तो जज्बे के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान है, वैसे अगर रियलिटी है वो इंडिया है। अच्छा, जज्बे के लिहाज से पाकिस्तान आ गया और रियलिटी में इंडिया। अच्छा, मैं ना यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहूंगी, फौज किसी भी मुल्क की हो वो अपनी कंट्री के लिए बेहतर करती है, अपनी कंट्री के लिए लड़ती है। इसमें ये बात कहना गलत है कि इस फौज का जज्बा ज्यादा है या इस फौज का जज्बा।